शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से कुछ पता चला उन गुंडों का? उनके अड्डे का पता चला है, मैं बस निकल रहा हूँ इससे पहले कि वो वहाँ से गायब हो जाए। आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वो लौंडिया श्रद्धा है ना, इसी लौंडे के साथ हमारे अड्डे पे आ गई है। हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है भैया जी, हमको बचा लीजिए भैया जी। और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, समझा? चल। वरुण तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था, उसे जो चाहिए थी वो उसे मिल गई। श्रद्धा, कोई परेशानी है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वो तुम अब थोड़ी परेशान लग रही थी तो मैंने सोचा पूछ लूं। माफ कर दो मुझे, बस एक बार मेरी बात सुन लो। वो गलती मैं मानता हूं कि मेरी, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। जो कुछ भी हुआ वो जाने अनजाने में हुआ। फिर मैं बताना चाहता था पर मैं डर गया। तुम तो समझ सकती हो ना मेरा इंटेंशन। क्या बताना चाहता वरुण? बोल, ऐसा क्या जो श्रद्धा समझ सकती और मैं नहीं? और ऐसे भी इतनी रात को तू यहां क्या कर रहा? वो जो गुंडा है ना, वो भाग रहा था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। घर पे सब लोग परेशान थे ना, तो मैंने श्रद्धा का पीछा किया और पीछा करते करते यहाँ पहुंच गया। और अच्छा हुआ कि पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो। श्रद्धा, तुम फिक्र मत करो, वो गुंडा आज भाग गया है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं भाग पाएगा। मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उसे पकड़ना नहीं। आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई और घर पे सब लोग परेशान होंगे ना। श्रद्धा, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूं। अरे, मुहूर्त बीता जा रहा है, आरती शुरू करें। अभी आरती तो शुरू हम कर देंगे, लेकिन इतना चमत्कारी दिन दिखाने के बाद अभय और श्रद्धा कहाँ गायब है? और आपका लाडला बेटा वरुण, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं ये तीनों मिलके अब कौन सी बात सुनाने वाले हैं। लीजिए, आ गए दोनों। अभय, ये क्या हो गया तुझे? तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? और तुम लोगों ने अपना हाल क्या बना लिया? कहाँ थे तुम लोग? अरे मम्मी, 2 सेकंड नहीं लगाते हो टेंशन पकड़ने में।
सबके लिए गिफ्ट लेने गया था और बाइक स्लिप हो गई, तो जरा सी चोट लगी है, मैं ठीक हूं। चलो पूजा करने चलते हैं। हाँ भाई, इतने सालों में पहली बार दोनों परिवार मिलके लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं। मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है, आप पूजा करते हैं। हाँ, आरती शुरू करते हैं। ऋतु, खाली देना आरती की। जी भाभी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरी गलती के बारे में यहां पर किसी को भी मत बताना। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे। जिससे आप गलती कह रहे हैं ना, वो एक गुनाह है, और उस गुनाह को छुपाकर मैं एक और गुनाह नहीं करना चाहती हूं। पूजा खत्म होने दीजिए, मैं सबको सच सच बता दूंगी। उस रात का अंत आज ही होगा। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। श्रद्धा, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज मेरी गलती के बारे में किसी को मत बताना। मैं सही टाइम आने पे ना सब कुछ सुलझा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। रुकिए, मुझे आप सबको एक बात बतानी है। हाँ बेटा, क्या बात करनी है बताओ ना। वो रात जब हम सब की किस्मत की लकीरें पलट गई, उस रात का सच बताना है मुझे आप सबको। श्रद्धा प्लीज, किसी को कुछ मत बोलो प्लीज। श्रद्धा, तुम्हें जो बोलना बेझिझक बोलो। वो रात जब अचानक आपकी और मेरी किस्मत एक साथ बांध दी गई, उस रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके जिम्मेदार वरुण जी है। श्रद्धा, ये आप क्या कह रही हैं? उस रात जो कुछ भी हुआ हम सबने देखा, वरुण ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वरुण जी को कीर्ति पसंद थी। और वो उसी से शादी करना चाहते थे। श्रद्धा बेटी, आप इस नतीजे पर कैसे पहुंची ये हमें नहीं पता, लेकिन और नहीं तो क्या? और तुम क्या न्याय की देवी बनकर ऐसे खड़ी और इल्जाम लगा रही हो हमारे वरुण पर बिना सबूत के? वो भी क्योंकि बुआ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से वरुण जी को उस गुंडे को पैसे देते हुए देखा है जिसने उस रात मेरे साथ। वरुण भैया, आपने ये सब किया, पर क्यों? एक मिनट, तुम गुंडों के पास कब गई थी जो ऐसे मुंह फाड़ के बोल रही हो? आरती से पहले
जब मैं और अभय उस गुंडे को ढूंढने निकले थे तो वो वरुण जी ही थे जिन्होंने हमें वहां उस अड्डे पर बंद कर दिया था ताकि वो उस गुंडे को वहां से भागने का मौका दे सके। वरुण, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? जो श्रद्धा कह रही है क्या वो सच है? जब इंसान हालत होता है ना तब उसकी बोलती ऐसे बंद हो जाती है। वरुण जी, आपने कैसे और क्यों किया आपने हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़? किसने हक दिया आपको हमारी जिंदगी बर्बाद करने का? आज तक आप पे ना हमें गर्व था लेकिन आज आज आप ही की वजह से हमारा सर शर्म से झुक गया है। रुकिए दाऊ जी, इसे सजा देने का हक सिर्फ मेरा है। क्योंकि इसकी इस गिरी हुई हरकत से जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है। अबे, मेरे भाई एक मेरी बात सुन। जो मुझे सुनना था वो मैं सुन चुका हूँ। वो जो तुझे करना था ना वो तू कर चुका है। अब देख मैं क्या करता हूँ। अबे मेरे भाई मेरी बात सुन। देख मैं मानता हूँ कि मेरी गलती, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बुरा हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दे मेरे भाई, माफ कर। वरुण, तू माफी के लायक ही नहीं बचा है अब। मैंने कहा ना मेरे रास्ते से हटो। इसकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है। जब तक मैं इसको उसकी सजा नहीं देता मुझे चैन नहीं आएगा। ये सब मेरे रास्ते से हटो। क्या हो गया? तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? मैं अभी आती हूँ। Oh, my God.
माफ कर दो श्रद्धा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। विश्वास करो, मेरा इरादा गलत नहीं था। मुझे एहसास नहीं था कि मेरी वजह से किसी को इतनी तकलीफ पहुंच सकती है। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनजाने में ये सब कुछ जो आपने किया है उसकी सफाई में आप मुझसे ये कह रहे कि आपसे ये गलती अनजाने में हो गई। एहसास नहीं है आपको कि आपकी इस हरकत की वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। सिर्फ मेरी ही नहीं, आपके भाई की, मेरे खुद की बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। और उसके बाद भी आप इस हद तक गिर गए कि आपने मुझे धमकी दी, मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकी दी, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी के आगे गवाही ना दे दूं। तो मैं क्या करता शत? तुम बताओ। मैं बहुत डर गया था, क्योंकि अगर इस घर के लोगों को सबको सच पता चल गया ना, तो वो मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है आप में। मेरी बहन आपके साथ कैसे सुरक्षित रह सकती है? श्रद्धा, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं कोई पेशेवर अपराधी नहीं हूं। और तुम जानती हो कि मैं कीर्ति से कितनी शिद्दत से प्यार करता हूं। मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें उस मंडप तक पहुंचने से रोकने का था। मैं नहीं जानता था कि, सपने में भी नहीं सोच सकता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाए। आपके ना सोचने के कारण ही जरा सा भी अंदाजा है आपको कि वहां पर क्या कुछ हो गया। वहां गोली चल गई, वो ड्राइवर जिसका इन सबसे लेना देना भी नहीं था वो जख्मी हो गया, और मैं शायद अब जिंदगी भर के लिए एक डर में जीने लगी हूं। अभय की तो जिंदगी बर्बाद हो गई मुझसे शादी करके। आपकी एक गलती की वजह से कितनों की जिंदगी बर्बाद हो गई वरुण जी। तो ठीक, अब तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे अपनी गलती का पश्चाताप करूं। तुम जो बोलोगी ना वो करूंगा श्रद्धा। पश्चाताप क्या कर लेंगे आप पश्चाताप करके? आपके पश्चाताप करने से क्या मेरी जिंदगी जो पहले जैसी थी वो वैसी हो जाएगी? वक्त का कांटा अगर एक बार आगे बढ़ जाता है ना, तो उसे दोबारा पीछे नहीं किया जा सकता। श्रद्धा, मैं बस तुमसे विनती कर सकता हूं, प्लीज ये सच अपने तक ही रखना। अगर इस घर के लोगों को इस सच के बारे में पता चल गया ना, तो ये परिवार बिखर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा श्रद्धा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। किस सच को छुपाने की विनती कर रहा श्रद्धा से?
दोनों क्या छुपा रहे मुझसे? वो जो गुंडा है ना, वो एक्चुअली श्रद्धा की वजह से ही भाग गया था। श्रद्धा, तुमने पर क्यों? गुंडे को अपने परिवार की चिंता थी कि अगर उसे जेल हो गई तो उनका ध्यान कौन रखेगा। श्रद्धा को उन पे तरस आ गया, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया और जाने दिया। सचमुच श्रद्धा, तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। अरे यार, हाथ में आए हुए गुंडे को तुमने छोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में दया भावना जाग गई थी, पर मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। जब तक मैं उसे सजा नहीं दे देता ना, चैन से नहीं बैठूंगा। झूठ, आपने एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलेंगे आप? श्रद्धा, मैं जानते हैं वरुण जी, सच की खासियत क्या होती है कि वो किसी भी रूप में सबके सामने आ ही जाता है। आपको क्या लगता है ये बात आज मुझ तक पहुंची है, घर वालों को ये सच्चाई नहीं पता चलेगी? एक ना एक दिन सबके सामने ये सच आ ही जाएगा, फिर चाहे वो सच कहीं आप ही के मुंह से ना निकल जाए। श्रद्धा, लेकिन तुम तो ये सच किसी को नहीं बताओगी ना? मैं चाहकर भी ये बात किसी को नहीं बता सकती, वरना मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। श्रद्धा ने ये बात किसी को बता दी तो मैं बस 5 मिनट में आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई और चाय भी साथ में। तुम्हारे हाथ से बना एक निवारा नहीं खाऊंगा मैं। श्रद्धा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऊपर तो मेरे बहुत अच्छा बनती हो और पीठ पीछे ये सब किया, तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, अरे मुझे लगा था शायद हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो सकती है, लेकिन तुमने तो मेरे पीठ पीछे ही खंजर मार दिया। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।